इंडियन यूथ विकास, मैं लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को अपने गार्डन में। मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि ये 63 महोगनी का ट्रीज लगाया हुआ है मैंने। और फिर वो देखिए पपीता, पपाया को मैं दिखा रहा हूँ, कितने पके पके पपीता हैं। वो देखिए पपाया, बहुत सारे पपीता का ट्री हैं और बहुत ही मीठा पपाया लगता है। मैं तो अभी खा करके, ये देखिए यूं ही फाड़ करके खा गया, और वो देखिए मैंने उसको खा करके फेंक दिया बिल्कुल। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा मैंने खा गया है, देखिए ये देखिए। और फिर मैं दिखाने जा रहा हूँ, उधर ककम्बर का है, कद्दू का है, और फिर इधर ब्रिंजल का है, बैगन का है ये पौधा, ठीक है, इधर मैंगो का ट्री है, उधर गवा का ट्री है, इधर जैकफ्रूट का ट्री है, उधर लेमन का ट्री है, उधर बनाना का ट्री है, देख सकते हैं चिल्ली का भी ट्री आपको मिल जाता है, यहाँ साग भी मिल जाता है, तरह तरह के साग भी लगाए हुए हैं, इधर अड़हल फूल का है देख सकते हैं, और फिर बहुत सारे हैं, उधर धनिया भी लगाया हुआ है आगे में, उधर ये देखिए बैगन में जो है फूल भी आ चुका है इसमें, और फिर ये देखिए इधर भी है कुछ, उधर भी है कद्दू, झींगा, परोल, ये सब का है। ये देखिए दिया सलाई जो मैच बॉक्स बनता है ना, उसका मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए इसी का जो है ये मैच बॉक्स बनता है, इसी के लकड़ी के, ठीक है। और फिर जो है ये देखिए ये शोजन का है, जिसको कि हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, ड्रम स्टिक का भी कई है, कुछ सीजनेबल है और कुछ 12 मास जो फरता है ना, बरमसिया जिसको बोलते हैं वो भी है। ये देखिए अरहर का, जिसको लाहर बोलते हैं हम लोग, ये लाहर का, ये देखिए लाहर का है ना, ये देखिए लाहर का है। और फिर आप को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये किसका है आप लोग बताइए, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सा है, ठीक है, आप लोग सबको परिचित ही हैं। और फिर बहुत सारे साग सब्जियां भी लगाए गए हैं, चूंकि ये देखिए गाछ के बीचों बीच जो जगह बच जाता है ना, उसमें साग सब्जियां लगा देने से बहुत सारे साग सब्जियां भी उग जाता है आपका, और अतिरिक्त में गाछ में आपको पानी देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं पपाया कितना पका पका हुआ है, मैंने अभी खाया है और उसको फेस में भी मैंने लगा लिया है, ठीक है, चूंकि फेस में लगाने से जो ना ग्लेजिंग बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, आप लोगों को कैसा लगा मेरा गार्डन ये देखते हैं, मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यही तो मेरा गार्डन है, ठीक है, और इसमें 63 महोगनी का ट्री मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। हाँ, और एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो चापाकल है ना मेरा, ये बहुत कम फिट, 13 फीट पर जो है ये आ जाता है, 13 से 15 के बीच में ये बालू है, और ये इसका पानी बिस्लेरी क्या जगह, इसका इसका जोड़ में बिस्लेरी भी फेल है इसके जल के सामने। और ये देखिए एक बार में 1 लीटर पानी आ जाता है चबाने दबाने के बाद, देखते हैं। मैंने अभी पपीता को तो अपने फेस में भी लगाया, और फिर उसके बाद फिर मैंने पैर में भी लगाया, वही देखिए ये देखिए देख रहे हैं ना। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, ठीक है, तो कैसा लगा दोस्त, बहुत जो है इसमें मेहनत भी करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ा है। हाँ, मेरे पापा ना, मेरे पापा जी इसमें डेली आते हैं, और इसमें जितने भी ये साग वगैरह लगा, ये देखिए क्या है, हाँ, सब में पानी देते हैं, डेली पानी देते हैं, मेरा बेटा भी है जो है इसमें पानी दे करके गया है परसों। और फिर इस तरह से यहाँ से बहुत सारे सब्जियां भी हम लोगों ने खाई है और खाते रहता हूँ, और फिर ये पपाया का सब्जी गजब का लगता है, और मीठा भी, पका पपीता भी जो है बहुत अच्छा लगता है, समझे ना। इधर नींबू का है, ये देखिए नींबू का है, और वहाँ से पानी आता है ना तो इधर आ जाता है, चलते रहता है, और फिर वो देखिए पाइप है ना लगा हुआ, पाइप को उसमें लगा देते हैं, और फिर वहाँ से चापाकल को चलाने के बाद जो ना हर तरफ फैल जाता है, ऊंचाई पर डाल देता हूँ तो फिर चारों तरफ फैल जाता है पानी इस तरह से। तो ये है हमारा गार्डन, कैसा लगा हमारा गार्डन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं बहुत दिनों के बाद अपने गार्डन में आया हूँ, और मैंने फेस में लगाया था अभी पपाया को, ठीक है, देख रहे हैं ना।
मैंने फेस में लगाया हुआ था अपने, अभी तोड़ करके ये देखते हैं ना। ट्री से मैंने पपाया को तोड़ा और पहले तो खाया, दो पपीता मैंने खाया, दो ट्री का मैंने टेस्ट किया, और उसके बाद फिर ये एक ट्री का मैंने एक पपाया तोड़ा और उसको फेस में भी लगाया, पैर में भी लगाया, हाथ में भी लगा लिया। साबुन लगाने की जरूरत नहीं है पैर हाथ में फेस में, सीधी सी बात, फेस वॉश की जरूरत नहीं है। अरे भैया फेस वॉश क्या काम करेगा, फेस वॉश से तो ज़्यादा अच्छा ये नेचुरल वाला है, पका पपीता कच्चा मत लगाइएगा दोस्त, कच्चा लगाइएगा ना तो स्किन को ही छील देगा। ठीक, कैसी लगी मेरी बात, कैसी लगी मेरी गार्डन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।